से आपका स्वागत है हमारे चैनल राजी फनी क्लास पर। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है वो है बॉडीज पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन। तो अगर आपको यह सीखना है हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। यानी आज हम सीखेंगे बॉडी पार्ट एंड इट्स फंक्शन, यानी सीखेंगे बॉडी पार्ट क्या क्या होते हैं, बॉडी के कौन कौन से क्या पार्ट है, उसे क्या कहा जाता है, और सीखेंगे बॉडी के फंक्शन भी सीखेंगे, बॉडी में क्या क्या होता है, क्या उन चीज़ों में होता है वो हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर आपका क्या है ये देखिए, ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये फर्स्ट वाला, ये आपका फर्स्ट वाला हो जाता है, ये आपका है हेयर, हेयर ठीक है, ये आपका हेयर हो गया, हेयर यानी हो जाता है बाल, ये हमारे बाल है हेयर है ठीक है। अब देखना है जो इसके, अब जो ये नीचे होता है, इसके जो नीचे होता है हम वो देखेंगे, इसके जो ये हेयर की जो नीचे होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, इसके जो नीचे, इसके नीचे जो हो जाता है वो हमारा होता है ब्रेन। ये फंक्शन मैं बता रहा हूँ, ये आपका हो जाता है ब्रेन ठीक है, ब्रेन। अब ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन देखेंगे, ब्रेन क्या है, ब्रेन ये जो आपका इधर ये बाल के नीचे जो ब्रेन है उसी के बारे में जानेंगे। ब्रेन इसके, इसके ब्रेन के चार पार्ट हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा सेरेब्रम, थर्ड सेरेब्रम, और आपका आ जाता है और भी आ जाते हैं वो मैंने द ब्रेन वीडियो बना दी है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें द ब्रेन, ये ब्रेन के बारे में बता दिया। अब और देखिए ये आपको, अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या है, ये आपको यहाँ दिख रहा है जो ये वाला इस, यह है आपका हेड, ये यहाँ पर जो ये सिर है, सिर यहाँ पर ये वाला हमको दिख रहा है, इसे ही हेड कहते हैं, यानी सिर कहते हैं हेड ठीक है। तो इसके पीछे ब्रेन होता, इसके इसके यहाँ पर इसके बीच में ब्रेन होता है ठीक है, इसके पीछे, और ये जो इसके जो पीछे है उसके ये हेड के जो पीछे है उसके क्या होता है, उधर क्या होता है, उधर होता है छोटा दिमाग, छोटा ब्रेन होता है, जो अगर उसे कस के उधर चोट लगेगी तो डेथ भी हो सकती है ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब चलिए देखते हैं अगला, अगला क्या है, अगला है ये आपको दिख रहा है ये आपका हो गया ईयर ठीक है, ईयर, ईयर हो गया, और यहाँ पर भी आ जाता है आपका ठीक है ईयर, चलिए ईयर है, तो ये आपका ईयर यानी हो जाता है हमारा कान, ये हमारा कान है। अब देखेंगे ईयर, ईयर का क्या है, ईयर में हम देखेंगे फंक्शन, इट्स फंक्शन। अब देखते हैं ईयर, ईयर इसमें जो छोटी हड्डी होती है, ईयर में भी हड्डी होती है, इसमें जो वह छोटी हड्डी होती है, हड्डियां होती है वो बोन्स होती है, जो वह पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, या आपका कान के बारे में बताया, यही आपका कान का फंक्शन ठीक है, आपका ये पता चल गया। अब चलिए अगला देखते हैं, अब आ जाता है आपका कौन सा, ये देखिए अब आपका आ जाता है जो वो है ये, देख लीजिए ये आपका आ गया, ये आपका क्या है, ये आपका है आंख है ठीक है, तो आई है, ये आई, आई है, और ये भी एक यहां पर भी आई है ठीक है। तो अब इस देखते हैं आई, आई दोनों, ये देखिए दो आंख है, एक इधर भी और एक इधर भी ठीक है, यही आपका। अगर ऐसे ही देख लीजिए इसका क्या है फंक्शन, इससे हम इससे कुछ देखते हैं, कोई भी चीज हम देखते हैं ठीक है, जैसे कोई जैसे मार्कर हो गया तो यह चीज हम देख रहे हैं, ये आपका आईज का काम है, फंक्शन है आईज का ठीक है, यही आईज का काम है ओके। चलिए और देखिए जो अगर ये बॉडी, बॉडी वाला ऊपर हटा दिए, सिर्फ ये आपका सिर्फ हड्डियां ही रहेगी, बोन्स ही रहेगी पूरा ओके, बोन्स ही रहेगी, तब कंकाल तंत्र मैंने वीडियो बना दिया देख लीजिए जाके, वो आपकी सिर्फ कंकाल ही रहेगी। तो जो इसका जो यहाँ पर ये आईज रहती है, या आपका इतना बड़ा जो यहाँ पर दिखता है, इतना बड़ा ये होल रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे गुहा कहते हैं ठीक है गुहा। चलिए ये आपको पता चल गया, इस आईज के बारे में मैंने बता दिया। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला ये जो दिख रहा है इसे, इसे कहते हैं हम नोज, नाक एक ही होता है नाक ओके, ये आपके नाक हो गए। अब नाक का फंक्शन देखेंगे, नाक का फंक्शन यह है कि हम नाक से सांस लेते हैं, नोज, नोज से हम सांसें लेते हैं ठीक है, सांसें लेते हैं, जैसे कोई भी, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं,
ये हम लेते हैं, ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया, ठीक है। ये आपका नाक का काम, जैसे कोई स्मेल लेते, स्मेल जैसे कोई अच्छा जैसा कोई भी फूल है, फूल को लिए हम उसे स्मेल करते हैं, तो हम नाक से ये सब चीज करते हैं, क्योंकि ना अगर ये आपका नोज ही नहीं रहेगा तो तब भी डेथ हो सकती है, क्योंकि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, समझ रहे होंगे, सांस नहीं लेंगे तो डेथ हो सकती है, सांस लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपका हो गया, अब चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, चलिए ये आपको जो यहाँ पर दिख रही है, ये आपका हो जाता है माउथ, ये आपका हो जाता है माउथ, ठीक है, माउथ यानी माउथ यानी हो जाता है मुंह, मुंह ये हम बोल रहे हैं, ये आपका मुंह हो गया, ठीक है। चलिए ये आपको पता चल गया, यहीं पर आपका ये मुंह हो जाता है, यानी देखिए देखिए मुंह, ये आपका जैसे कोई इसका फंक्शन क्या, इसका फंक्शन है जैसे हम कोई चीज खाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज खाते हैं तो यही मुंह से ही खाते हैं, जैसे कोई चीज पीते हैं तो हम यहीं से पीते हैं तभी अंदर जाती है, ठीक है, ये आपका पता चल गया। और यहीं पर ये आपकी देख लीजिए, इधर मैं बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, यहीं पर आपकी कौन क्या रहती है, यहीं पर आपकी रहती है तिथ, ठीक है, यहीं पर आपकी तिथ रहती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए ये बना देता हूँ इधर कि आपको समझ में आए, ये आपका हो जाता है तिथ, ठीक है, तिथ यानी दांते। तो दांते का क्या काम है, ये दांतों का क्या काम है, जैसे देखिए कोई चीज हम खाते हैं, कोई चीज जैसे कोई चीज चबाने जो, जैसे देखिए कोई भी चीज हम खाते हैं तो हम उसे चबाते हैं, तो यही दांतों की मदद से ही चबाते हैं, अगर ऐसे ही दांते नहीं रहता तो अगर ऐसे ही हम अंदर कर लेते अपने शरीर के अंदर तो क्या होता है, समझ गए होंगे, यह दांतों का बहुत ही, जैसे कोई और जैसे मीट हो गया तो वो खाते हैं तो इसमें ज्यादा शक्ति लगती है हमें चबाने के लिए, तो यही दांत का काम वही है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब अगला देखते हैं, अगला ये दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका है टंग, ये आपका हो गया टंग, टंग देख लीजिए, अब टंग टंग है, अब देखेंगे टंग का क्या काम है, टंग का क्या काम है वो देखिए, बहुत जैसे देखिए टंग मैंने वीडियो भी बनाई है, ऑर्गेन सिस्टम एक्सटर्नल एंड ऑर्गेन सिस्टम ये सब मैंने वीडियो बना दिए कई सारे के, जीव के बारे में भी मैंने बताया, देख लीजिए वीडियो जाके, ओके। तो ये जीव है, इसके अन्य भागों में जैसे देखिए ये हमने जीव बना दिया, इसके अन्य भागों में कई सारे, जैसे देखिए एक इधर गया और इधर इधर बना रहा हूँ आपको समझ आने, जैसे देखिए ये आपका इधर हिस्सा हो जाता है, जैसे सॉल्ट, हमको इधर सॉल्ट का महसूस होता है, इधर हमको स्वीट का महसूस होता है, ओके, इधर हमको सॉल्ट का महसूस होता है, इधर बीटर का यानी कड़वा का महसूस होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीटर, यही सबका हमको महसूस होता है जीभ का, कोई चीज जैसे देखिए कोई हम चीज खाएं, कोई भी हम कोई चीज खाएं तो क्या हुआ, इन सब में हिस्सों में जैसे ये हिस्सा है, इधर हमको पता चलता है नमकीन का पता चलता है, हाँ इसमें नमक है, इधर भी हमको नमकीन का पता चलता है, यहाँ पर बीच में हाँ यहाँ पर मीठा लग रहा है, इसमें मीठा मिठास है, इधर देखिए इधर इधर जब खाते हैं तो हमको इधर पता चलता है हाँ ये तो कड़वा है, बहुत कड़वा लगता है, कड़वा चीज कड़वा ही लगता है, तो यहीं पर लगता है कड़वा, और इधर इधर जो जगह है उधर उधर सॉल्ट लगता है, कहीं स्वीट लगता है, ये आपका जीव का काम है, यानी कोई चीज खाते हैं तो हमको स्वाद पता करने के लिए यह जीव है, और बस यही नहीं, ये जीव हमारे बोलने के लिए भी, जैसे अगर देखिए यही जीव अगर इतना अगर इसको अगर इतना अगर कटा हुआ रहता है, कोई कोई ऐसा किसी का कट जाता है कटा हुआ रहता है तो क्या होता है, इतना तो वह देखते हैं गूंगा हो, वह कैसे हो जाता है, गूंगा हो जाता है, वह वाह करके बोलने लगता है, ठीक है, कैसे बोलता है आपको समझ में आ गया, देख लीजिए ऐसे करके बोलता है, अगर यही जीव इतना कड़ी है तो, अगर जीव नहीं रहेगा तो बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है, आपको पता चल गया, अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे, ये आपको पता चल गया, वही अगर पकड़ के इसको जीव को ऐसे पकड़ के बोलिए तो देखिए आप कैसे बोलते हैं, ठीक है, जीव नहीं रहेगा तो अच्छा से बोल भी नहीं पाएंगे, ये आपका जीव का काम है। अब चलिए देखते हैं अगला अगला क्या है, ठीक है, चलिए ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका है चीक, चीक है, ठीक है, चीक चीक यानी हो जाता है हमारा गाल,
ये हमारा, ये आपका गाल दिख रहा है, इसे ही चिक करते हैं, ठीक है। ये आपका गाल हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला, अगला क्या है, चलिए देखते हैं। आपका दो साइड, ये एक भी चीक और ये एक चीक होता है, दो दो चीक है, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। ये आपको ये दिख रहा है, ये आपका हो गया शोल्डर, शोल्डर दो कंधे, एक यहाँ और एक यहाँ, देख लीजिए ये आपके हो गए शोल्डर, ठीक है। शोल्डर, ये आपका शोल्डर हो गया, यानी शोल्डर, शोल्डर यानी हो जाता है कंधा, ठीक है, कंधा। तो ये भी बहुत रहना जरूरी है, ओके दोस्तों, ये आपका रहना जरूरी है। चलिए ये आपको पता चल गया। अब ये एक और शोल्डर यहाँ पर भी रहती। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला हो जाएगा वो देखते हैं। ये दिख रहा है, ये देखिए, ये आपका हो गया चेस्ट, 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 ठीक है, ये आपका चेस्ट हो गया। तो चेस्ट देखेंगे, चेस्ट यानी हो जाती है मेरी छाती, यहाँ पर हमारी छाती है चेस्ट, ठीक है। आप देखना है इसी के, यही देखिए, ये आपका, ये दोनों चेस्ट है। अब इन्हीं के ये लेफ्ट साइड के, ये लेफ्ट साइड के इधर ही, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर हमारी हो जाती है क्या, ये हो जाती है हमारी, इसके अंदर हार्ट होती है, दिल होती है, ठीक है। दिल से जुड़े नसें होते हैं बहुत सारे, यहीं पर हमारी हार्ट होती है, दिल होती है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। चलिए अब देखते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये बीटर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला, ये मैंने आपको बताया, आप देखते हैं अगला, चलिए ठीक है। ये देखिए, ये आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है हैंड, ठीक है। तो हैंड यानी हाथ, अगर यही हाथ ही नहीं रहेगा तो कैसे उठेंगे पैरों से। हाथ रहना बहुत जरूरी है, हाथ रहेगा तब हम कोई चीज को उठा सकते हैं, जैसे ये डस्टर है, इसको हम उठा सकते हैं। चलिए ये आपको पता चल गया, ये हाथ का काम है और इसके अंदर बहुत सारे नसें होते हैं। चलिए हाथ का बता दिया, अब क्या है अगला देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे कहते हैं ब्राइस्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्राइस्ट। चलिए ये आपका रिस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका रिस्ट हो गया। तो रिस्ट है यहाँ पर, ये हमारा कलाई है, दिख रहा है कलाई, यही कलाई वो हम हाथ हो, ये आपका इधर हाथ है, देख लीजिए, ये आपका कलाई है। यहाँ पर ये कलाई है ना, जुटा नहीं रहता, अलग हुआ रहता है, जुटा नहीं रहता है, अलग हुआ रहता है, बस इसे मांसपेशियां पकड़ के रखती है, नसें पकड़ के रखती है, ठीक है, ये आपकी अलग रहती है कलाई, ये आपका पता चल गया। हाँ भाई देखिए, इसको हाथ उठा कर घुमा सकते, यही पर ये आपका कलाई है, यहाँ पर नसें भी होती है, कलाई का काम यही है। चलिए अब देखते हैं एक और, यहाँ पर बताना भूल गया, ये देखिए, ये आपका है नेक, नेक, नेक यानी ये आपका नेक है, नेक देखिए, नेक इसके अंदर होती है हड्डियां, इसके अंदर होती है नसें, बहुत लंबी नसें होती है, मैंने नर्वस सिस्टम भी पढ़ा दी है, बता दी है, देख लीजिए वीडियो, यहाँ पर बड़ी ऐसी नसें होती है यहीं पर, ये आपका नेक हुआ, नेक का काम। अगर नेक ही नहीं रहेगा तो ऊपर वाला ये मुंडी भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपका पता चल गया, ये गर्दन। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला देखिए, ये हाथ में देखिए, ये आपका, ये भी है आपका हैंड ही है, ठीक है, ये यहाँ पर पहले बता देता हूँ, ये आपका हो गया आर्म, आर्म, आर्म यानी हो जाता है बाहू, ठीक है, आर्म यानी यहाँ पर हमारा ये बाहू है। चलिए ये हमारा यहाँ से शोल्डर से जुड़ा हुआ रहता है, ये हमारा बाहू। चलिए ये आपको पता चल गया, अब देखते हैं अगला, ठीक है, अगला देखते हैं, यानी देख लीजिए यहाँ पर ये शोल्डर और आर्म का दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का जुटा हुआ रहता है, क्योंकि ये आपका ये वाला अलग रहता है। ये देखते ना, हाथ किसी का टूट जाता है, कैसे टूटता है, ये आपका ये वाला जो यहाँ पर ये बाह है, आर्म है, बाहू है, ये आपका अलग रहता है, शोल्डर भी अलग रहता है और बाहू भी अलग रहता है, इसे सिर्फ मांसपेशी नसें जोड़ के रखती है, मांस चमड़े स्किन सब जोड़ के रखती है, इसे पकड़ के रखती है, इतना पकड़ के रखती है, तो यह ठीक रहता है, समझे, यह आपको पता चल गया। और देखिए जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसका कैसे होता है, उसका कभी कभार ठीक, जैसे एक्सीडेंट हाथ टूट भी जाता है तो उसका ठीक हो जाता है, और ठीक हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसका पूरा ठीक थोड़ी ना हो जाता है हमेशा, जब तक एकदम हट्टा कट्टा आए, एकदम खा पी रहा है अच्छे से, एकदम हट्टा कट्टा है, तब उसका ये हाथ अच्छा ठीक रहेगा, ठीक ही रहेगा। अगर जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो मांस उसकी ये हड्डियों को, मांस उसकी हड्डियों को छोड़ देगा, स्किन उसकी हड्डियों को छोड़ देगा, तो
क्या हो जाएगा, वह विकलांग होके बैठ जाएगा, ये आपका मैं बताया, ठीक है। चलिए, और यही ये आपका इधर दूसरा हैंड हो गया, ठीक है, हैंड हो गया दूसरा हैंड, हाथ। चलिए, इसके अंदर हड्डियां भी होती है, नसें भी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपके हैं नेल। नेल, और यहाँ पर भी आपके हैं, हो गए हैं नेल, ठीक है, नेल लिख देता हूँ। चलिए, ये आपके हो गए हैं नेल, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, एक नेल यहाँ और एक ये नेल, दोनों हाथों में नेल होती है, देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो ये नेल है यही है, ठीक है। देखिए, अब क्या है ये नेल, नेल का काम क्या है, ये नेल है, इसमें कभी कभार जैसे कोई कीटा है, जैसे मिट्टियाँ आ जाती है तो यहाँ पर कीटाणु, उसे हमेशा काट के रखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है ऐसे में। चलिए, अगला के, अब मैं नेल के बारे में बताया, देखिए, और ये आपका हैंड है, और यहाँ पर जो ये आपका कलाई है, कलाई भी मैं बता दिया, ये आपका यहाँ पर रिस्ट हो गया, रिस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका कलाई हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आपका कलाई हो गया। चलिए, तो ये सब क्या है, ऑर्गेन सिस्टम, एक एक्सटर्नल ऑर्गेन सिस्टम है ये, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला, अगला क्या है, अगला देखते हैं। चलिए, ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपका हो गया, अस्टोमेक हो गया, ठीक है, ये आपका अस्टोमेक हो गया, यानी अस्टोमेक यानी होता क्या है, पेट, हमारा अस्टोमेक यानी हो जाता है पेट, ठीक है, इसे बेली भी कर सकते हैं, पेट को बेली भी कर सकते हैं, अस्टोमेक। अब चलिए देखते हैं अस्टोमेक क्या है, अस्टोमेक है ये पेट है, लेकिन आपको लगता होगा कि इतना बड़ा ये पेट, अब बताऊंगा इंटरनल ऑर्गेन, ठीक है, इंटरनल ऑर्गेन बताऊंगा। चलिए, अब बताऊंगा आपको इंटरनल ऑर्गेन, इंटरनल ऑर्गेन यानी ये आपको दिखता है ये पेट, ये आपको लगता है ये इतना बड़ा ये आपका पेट ही है पूरा, नहीं, ये आपका पूरा पेट ही नहीं है, इसके अंदर पेट होता है। मैंने बना दिया वीडियो, मैंने ऑर्गेन एक्सटर्नल एंड ऑर्गेन सिस्टम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम मैंने वीडियो बना दिए, तो वह वीडियो आप देख लीजिए। देखिए, ये पेट इसके अंदर होती है, इसके अंदर आपकी हो जाती है पेट हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर आपकी हो जाती है किडनीज हो जाती है, ठीक है, इधर दो किडनियाँ होती है, इसके अंदर किडनियाँ होती है, एक छोटा सा, यहाँ पर तो छोटा सा पेट ही होता है, ठीक है, ओके, और यहाँ पर किडनियों से जुड़ा होता है, यहाँ पर आ जाता है आपका ब्लैडर आ जाता है, ये नसों की सहायता से ब्लैडर आ जाता है, ठीक, ये आपका ये मूत्र मार्ग है, ब्लैडर आ जाता है, और बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर आपके लार्ज इंटेस्टाइन आ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपके पेट के अंदर होती है ये सब चीज़ें। अब आपको पता चल गया होगा ये इसके अंदर इतना चीज़ें होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ इतना बड़ा पेट ही नहीं होता है। चलिए, ये आपको पता चल गया, अब देखते हैं अगला, अगला क्या है, ठीक है, अगला चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका हो गया थाई, थाई, ये आपका हो गया थाई, ठीक है, ये आपका थाई हो गया, यानी थाई यानी हो जाता है हमारा जांग। देखिए, हमारे यहाँ पर ये थाई है, ये हमारा जांग हो जाता है, दो थाई है, इधर भी थाई है, ये हमारे जांग हो जाते हैं। अब देखना है थाई का क्या काम है, ठीक है, थाई का क्या काम है, देखिए थाई, अब इसका हम देखेंगे इसका काम, थाई का ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, थाई का जो हड्डी है या पूरे बॉडी का सबसे बड़ा हड्डी है, सबसे बड़ा हड्डी, सबसे बड़ा बोन से, इसे फीमर कहा जाता है, फीमर, ठीक है, इसे फीमर कहा जाता है, फीमर, चलिए लिख देता हूँ, फीमर, इसकी सबसे बड़ी हड्डियों को फीमर कहा जाता है, और सबसे छोटी हड्डी आपकी कान की हड्डी, और सबसे बड़ी हड्डी, क्वेश्चन आ जाती है सबसे बड़ी हड्डी कौन है शरीर की, तो ये आपकी जांघ की हड्डी, ठीक है, ये आपका पता चल गया जांघ। अब चलिए देखते हैं अगला, अगला क्या है, ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका हो गया नी, नी हो गया, ठीक है, नी, और एक इधर भी नी है, नी,
ठीक है, ये आपका नी हो गया। नी यानी देख लीजिए, नी यानी होता क्या है, नी यानी हो जाता है हमारा घुटना। ये हमारा यहाँ पर नी है, ये हमारा घुटना है, ठीक है। तो ये दिखता होगा आपका जांघ का हड्डी, और यहाँ पर ये वाला जो ये पैर है इसका हड्डी। पहले इसका भी नाम बता देता हूँ, देखिए ये आपका नी, क्या नाम है इसका, इसका नाम है लेग। लेग है, ठीक है, ये आपका लेग हो गया। अब देखना है लेग, लेग का क्या काम है, ये आपका लेग हो गया, यानी ये लेग है और ये थाई, इन दोनों के ये जो बीच में ये नी आ जाता है, यानी ये आपका घुटना आ जाता है। देख लीजिए, थाई का भी, ये आपका जांघ का भी हड्डी अलग होता है, और लेग का भी, पैरों का भी हड्डी अलग होता है। बस इन दोनों को मांसपेशियां, नसें, स्किन, चमड़े, इन सब पकड़ के रखते हैं इनको हड्डियों को, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन करके ये आपका नी आता है बीच में, ठीक है। इसे बीच का नाम, इसे नी दिया गया, घुटना दिया गया है नाम, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ओके, ये आपको पता चल गया। अब लेग है, लेग के हड्डियों भी हड्डी होती है, और नसें कई सारे होते हैं, मेरी नर्वस वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं अगला, अगला है ये, देखिए ये क्या है, ये हमारा हो जाता है फिट, फिट हो गया, ठीक है। ये फिट हमारे यहाँ पर पैरों का जो यहाँ पर ये, जैसे हम चलते हैं तो ये हमारा फिट रहता है, अगर ये नहीं रहेगा तो चल भी नहीं पाएंगे, ये हमारा फिट के। अब ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा फिट का ये, और चल गई, एक और बात बताता हूँ, ये आपको हाथों का जो ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका है फिंगर, फिंगर्स से ये लिखा, क्योंकि 5 उंगलियां 11 उंगलियां है, और एक यहाँ पर भी, ये भी आपका फिंगर्स ही है, ठीक है, फिंगर्स है। अब फिंगर का क्या काम है, देखिए जैसे हम कोई चीज उठाएं, ठीक है, हम चीज कोई किसी को उठाएं, तो हम क्या करते हैं, इस उंगलियों के सहायता से ही उठाते हैं। देखिए जैसे इसे भी पकड़े हैं, तो हम इसे उंगलियों के सहायता से ही पकड़े। अब बात आती है कि उंगलियां भी आपकी क्या होती है, उंगलियां भी आपकी अलग अलग, जितने भी, देखिए यहाँ पर ये देखिए, आपको लगता होगा हमारी हाथें ऐसे क्यों हो जाती, ऐसे ऐसे ये हम इधर इधर टेढ़ा ऐसे कैसे कर लेते हैं, ये देखिए इस उंगलियों को भी हम इधर इधर टेढ़ा ऐसे ऐसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, ये बात आती होगी, क्योंकि ये सब भी हड्डियां अलग होती है, ये सब भी हड्डियां अलग होती है, इसे मांसपेशियां और नसें, स्किन, चमड़े, इन सब पकड़ के रखते हैं, तब ये हमारी जुटी हुई रहती है, ये आपकी, ये आपको पता चल गया हाथों। अब ये आपका फिट, तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये आपकी लैग की, लैग फिंगर है, ये आपकी लैग फिंगर, फिंगर, ठीक है, फिंगर लिख देता हूँ, फिंगर्स, लैग फिंगर्स, ठीक है। ये मैं, ये हाथ का फिंगर और ये लैग्स का फिंगर, यानी लैग का फिंगर, यानी जो लैग में जो फिंगर होती है, फिंगर्स होती है, 5 उंगलियां लैग में भी, हाथों में भी, दोनों में होती है 5 उंगलियां, तो उसका भी हड्डी ऐसा ही होता है, सब अलग अलग होता है, मांसपेशियां, चमड़े, स्किन पकड़ के रखते हैं। ये आपका, ये मैंने बता दिए, ठीक है। तो अगर ये मैंने आपको बता दिए, मैंने आज आपको बताए बॉडी पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन, इनके फंक्शन भी बताए, तो ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे क्या होता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करिए ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं, तो हमारा की ख्वाहिश पूरी की नहीं है, हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्किल तो लेना चाहते हैं तो ले सकते, ठीक है, ले लीजिए।